So continuing with our lesson plan, we will discuss the three tiers of intervention. The first tier concerns universal intervention. By this they mean to say that if this is the common lesson jo tusi sare bachche nu padhaoge, the kind of jo bhi methods hai jo learning resources hai har bachche de rahi honge. So if this is common, tier 2 will be specific group intervention jide ch assi similar kind of students layi स्पेसिफिकली डिजाइन कराएंगे. एंड थर्ड टायर इज इंटेंसिव इंडिविजुअल इंटरवेंशन जो एक स्पेसिफिक IEP इंडिविजुअल बच्चे के लिए डिजाइन किया जाऊगा. सो तुसी अपने लैसन प्लान में थ्री टायर्स विच डिजाइन करोगे. नाउ दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ लैसन प्लान. सपोज तुसी मैथ्स मैजिक टॉपिक पढ़ा रहे हैं फॉर क्लास 1 एंड जिदे विच तुसी रेफरेंस लिए यूज करोगे टेक्सट बुक ऑफ मैथमेटिक्स फॉर क्लास 1 बाय गिवन बाय NCERT. दिस इज हाउ तुसी अपना लैसन प्लान बनाओगे. दिस इज प्री प्लानिंग एक्टिविटी. लैसन द एलीमेंट, लैसन द सैटअप एंड लैसन ओपनिंग होएगी. जिमें आप टीचिंग पॉइंट लिखा से दैट इज़ लैसन एलीमेंट. दैन द प्रोसीजर तुम्हें किमें प्रोसीजर किमें टीचर ने लिखा कि शील डू गो वॉर्म अप सिंपल एक्सरसाइज लाइक रेज योर हैंड रेज योर हैंड. दैन बच्चों एक्सपैक्टेशन, फिर स्टूडेंट्स एक राइम दिखती जाएगी जो रिसाइट करेंगे राइट. एंड इट 5 मिनट्स लिए होगा. टीचर की कर रहे हैं, स्टूडेंट्स की कर रहे हैं, कड़ा मटीरियल यूज करना, दिस यू विल प्लान. सिमिलरली जिमें आप अपने लैसन प्लान बनाए से. दैन सैकेंड आ गया लैसन बॉडी जो टीचर पढ़ाना शुरू करेगी. सो उस टीचर ने एक्टिविटी 1 प्लान की हुई है. एक्टिविटी 2 है विच इज़ फॉर 15 मिनट्स. टीचर विल शो दैम 1 बाय 1. स्टूडेंट्स ऑब्जर्व करेंगे एंड शील यूज ब्लैक बोर्ड फ्लैश कार्ड्स एंड वर्कशीट. सो यू गो थ्रू दिस लैसन प्लान वंस. दैन सी सेकेंड थर्ड स्टेप की हो गया एक्सटेंडेड प्रैक्टिस. जस्ट सेम चीज़ बच्चे द्वारा प्रैक्टिस करवाई जाएगी. दैन लैसन विल बी क्लोज्ड. फोर्थ विच एंड लास्ट इज इवैलुएशन. ना ये दिस इज सम जनरल लैसन प्लान. इस हम जो आप UDL ऐड करेंगे, UDL की है ना सी सेम टॉपिक लिए रीप्रजेंटेशन लिए दिस इज द एडिशनल मटीरियल और रिसोर्सिज द टीचर इज यूजिंग. लो टेक्निक्स विच शील यूज अ चार्ट डिस्प्लेइंग 1 to 9, फिर रिसाइट एड राइम 1 1 1 1 लिटिल बेबी ईटिंग अ बन. उस शील शो रियल ऑब्जेक्ट्स लाइक 1 apple, 2 pens, 3 crayons. दैन शो 1 object विद द वर्ड ONE, 1 द स्पेलिंग सिखा ली. Then sign language for SWHI, जो code है sign language will be used. ONE the symbol, flashcards will be used and large print will be used with for specific learners with visual impairment, right? And high technology दे भी she'll use a projector and a small short video clip in the classroom. So जितने देखो कि teacher ने एक 1 to 9 पढ़ाने ली, the kind of variation she has planned and the different ways the topic will be represented to the class. एंड नाउ सेकेंड इज एंगेजमेंट. जिस बच्चे किमें पार्टिसिपेट करेंगे, सो सी फर्स्ट लेवल द स्टूडेंट्स विल बी अलाउड टू रिसाइट द राइम विच द टीचर रीप्रजेंट. सो हर बच्चे क्ले दी जाऊगी. दे विल मेक मॉडल ऑफ 1 to 3 क्ले दे विचो. दैन फिर स्टूडेंट्स लाइन विच जंप करके 1 time जंप करो, 2 time जंप, 3 time जंप. सो एवरी स्टूडेंट विल पार्टिसिपेट. दैन स्टूडेंट्स विल बी आस्क टू शो देयर बॉडी पार्ट्स. शो मी 1 finger, शो मी 2 fingers. सो उस नाल बच्चे कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा. एंड हाई टेक्निक दे विच शील यूज अ वीडियो ऑन क्ले मॉडलिंग, क्योंकि बच्चों ने पिछले क्ले 1 to 3 बनाने तो वो भी सिखाए जाएंगे. दैन एक्सप्रेशन हो गया कि जो बच्चों की रिस्पोंसिस लेनी है, आप क्वेश्चन पूछने हैं बच्चों तो इंडिविजुअल वर्बल रिस्पोंसिस पूछे जाएंगे बाय हाउ मैनी आईज़ यू हैव, हाउ मैनी नोज यू हैव. दैन स्टूडेंट्स आप जो सपोज कोई वर्बल बोल के दस तो वह जो बच्चों लिए की हो जाएगा ड्रॉइंग, साइन लैंग्वेज, डांस एंड एक्टिंग. सो शी हैज़ यूज डिफरेंट मैथड्स जिस नाल बच्चों को क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये चैक करने लिए वैदर उन्होंने लर्निंग हुई या नहीं. एंड हाई टेक्नोलॉजी के आप स्टूडेंट्स माइक्रोसॉफ्ट मतलब कंप्यूटर्स के उत्ते पेंट 1 to 3 ड्रॉ करके पेंट करना दसया जाएगा राइट. नाउ वैन यू टॉक ऑफ 3 tier इंस्ट्रक्शन की है. टायर 1 ऑल स्टूडेंट्स विल नो द कॉन्सेप्ट ऑफ 1 to 9 हर बच्चे दसया जाएगा. टायर 2 विच सम स्टूडेंट्स विल नो द नंबर्स बाय मैचिंग ऑब्जेक्ट्स विद ऑब्जेक्ट्स. सो ये एक्टिविटी हर बच्चे नहीं करवाई जाएगी. कुछ बच्चे ऑब्जेक्ट न ऑब्जेक्ट न मैच करेंगे, जिमें एक पास 1 ball, दूजे पास 1 ball एंड यू हैव टू मैच. टायर 3 विच की है कि फ्यू स्टूडेंट्स विल बी एबल टू कॉम्प्रीहेंड द कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ CAI. सो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिहड़े कंप्यूटर्स दी यूज़ करके इस कॉन्सेप्ट नूं समझणगे पॉसिबली. इहदे नाल की हो गया जी विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक एंड टैक्टाइल, ये सारा प्रोसेस ऑफ लर्निंग यूज हो जाएगा जो आप CAI यूज़ करेंगे. सो CAI हर बच्चे लिए नहीं होएगा, जिन्हों नहीं समझ आया उस बच्चे लिए यूज़ होएगा राइट. सो पॉसिबल बैरियर्स की होंगे, देखो जिम्मे टीचर ने वाइट बोर्ड यूज़ किया है तो वह बैरियर है कि बच्चे उस तो कॉपी नहीं कर पाएंगे ठीक तरह. सोल्यूशन की है कि दिल वॉच PPT ऑन देयर कंप्यूटर्स. कुछ बच्चों की लैंग्वेज प्रॉब्लम है, सो सोल्यूशन की शी हैज़ यूज साइन लैंगुएज. कुछ ही थॉट कि कुछ बच्चों मिक्सिंग लार्ज ग्रुप के जिमें जो जंप करवाया सारी क्लास ने जंप करना है
नहीं पॉसिबल, बच्चे कहीं नहीं जंप करेंगे, सो शी हैज़ ब्रोकन डाउन दी क्लासरूम इनटू स्मॉल ग्रुप्स। बच्चे लंबे टाइम ले नहीं बैठ सकते, तो इसलिए क्लास के बीच बीच कदे राइम करवा रहे हैं, कदे जंपिंग करवा रहे हैं, सो उस नाल की है मोनोटनी नहीं है क्लास में, इक्को काम आप लगातार क्लास में नहीं कर रहे। एंड दीज आर सैंपल वर्कशीट्स विच ही हैज़ मेड जिहड़ियां यूज कीतियां जाणगियां, जिवें कलर करन लई, 1 to 9 सिखाण लई, फिर मैच करन लई, सो दीज आर दी वर्कशीट्स विल बी यूज। सो जे तुसीं देखो तां इस लैसन प्लैन नाल सानूं इह बड़ा क्लीयर हो गया कि टीचर ने अपने पढ़ाउंदे होए सेम टॉपिक नूं पढ़ाउण लई फ्लैक्सीबिलिटी, रिजल्ट ओरिएंटेड एंड प्लस टाइम भी प्लान कीता है। इस चीज़ नूं करना भी जरूरी है, नहीं तां अदरवाइज हो सकदा कि आपां सारे कम्मां विच उलझ के रह जाइए। लर्नर दी वेरिएबिलिटी सानूं पहलां पता होनी चाहिए, दैन ओनली यू विल प्लान टायर 1, 2, 3 दी एक्टिविटीज़। रेडीनेस लैवल की है बच्चों का, स्किल्स की चाहिए, लोड़ां की ने, दिस यू नीड टू नो। यू नीड टू नो दी लर्निंग गैप्स, की ऐसी चीज़ें हो सकती जो बच्चों को नहीं पता, यू नीड टू नो दैट। सो दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट इट डिटरमिन करन लई वट स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड इज़ दी सपोर्ट, थोनू हर बच्चे नू किन्नी सपोर्ट दी लोड होगी। एंड अगेन जो आप इंकलूसिव लैसन प्लान बनाना, एक अप्रोप्रिएट असैसमेंट टेक्नोलॉजी यूज़ करनी भी जरूरी है। आप बहुत वधिया ढंग नाल पढ़ाईए पर जो टैसट लैना, जो टैसट आप उसे एक ढंग नाल लैना रिटन टैसट, दैन अगेन वह फिर कोई फायदा नहीं होंगे। सो यू नीड टू डिटरमिन, यू नीड टू नो डिफरेंट असैसमेंट टेक्नीक्स जिवें उस टीचर ने कीतियां सी, दिस कैन बी डन। सो वी हैव डन दीज इवैलुएशन स्ट्रैटेजीज इन डिटेल, दीज आर ऑल सिमिलर फॉर्मेटिव समेटिव असैसमेंट टेक्नोलॉजी जो आप इवैलुएशन कंसीडरेशन दे विच ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लैसन प्लान्स दैट वी नीड एंड हाउ वी कैन हाउ वी शुड डिज़ाइन आर लैसन प्लान्स इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम्स। थैंक यू।